साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉक में। आज अपने साइंस टॉक की क्लास में हम जो अपनी नई सीरीज चला रहे हैं आर ओ आर ओ के लिए, तो उसमें हम आप जो भी क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं 10 सालों में, वो हर एक सेक्शन में जैसे इन्वायरमेंट हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, 10 सालों में जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं घटना चक्र से या युद्ध कॉम्पिटिशन जो भी आप समझ सकते हैं, हम वो सारे सारे क्वेश्चन रिवाइज करेंगे और आप देखेंगे कैसे धीमे धीमे होलिस्टिक अप्रोच में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। पहले हम एनवायरमेंट से स्टार्ट करें, हम साइंस को देखेंगे, फिर पॉलिटी देखेंगे, मतलब जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिनसे आप थोड़ी सी मेहनत करके आप ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं, पहले उन सब्जेक्ट्स को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में फिर हम ज्योग्राफी हिस्ट्री भी देखेंगे और फिर हम करंट के लिए कोशिश करेंगे, करंट के लिए सीरीज लाने की। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएंगे, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है आपका 2012 का पेपर है और 2012 में इन्वायरमेंट सेक्शन से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देशों की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किया जाता है, मतलब जो प्राकृतिक पूंजी हो। ऑप्शंस हमारे पास है ए वन, बी जल, सी सड़कें और डी सड़क। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो आप बता सकते हैं कि सर इसमें जो आपके सड़कें हैं ये आपका प्राकृतिक पूंजी नहीं है, बाकी तीनों के तीनों आपके प्राकृतिक पूंजी है जिसपे सबका बराबर अधिकार है, वो वन हो या जल हो या फिर आपका खनिज हो, ये सारे के सारे आपके ये तीनों आपके प्राकृतिक पूंजी हैं। बट जो सड़कें हैं ये हमारी प्राकृतिक पूंजी नहीं है क्योंकि इसका निर्माण हम ह्यूमन बींग्स खुद करते हैं, ठीक है। तो कितना आसान क्वेश्चन था, हल्का सा दिमाग लग कर लिया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, मीन्स जो चिपको मूवमेंट था वो किसके विरुद्ध था। ए जल प्रदूषण के, बी ध्वनि प्रदूषण के, सी वन कटाई के और डी सांस्कृतिक प्रदूषण के। तो जो चिपको मूवमेंट था जो कि आपका उत्तराखंड क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ फैला था, जिसको फैलाने का श्रेय दो लोगों को जाता है। एक जाता हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी को, सुंदरलाल बहुगुणा जी को, और एक और थे आपके चंडी प्रसाद भट्ट जी। कौन थे हमारे, चंडी प्रसाद भट्ट जी। ये दोनों ही उसके प्रवर्तक थे आपके चिपको मूवमेंट के। अब चिपको मूवमेंट में होता यह था कि जो भी लोग होते थे वो जब राज्य कर्मचारी जाते थे या जो ठेकेदार जाते थे वनों को काटने के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए वनों को काटना पड़ता है, तो लोग जो थे वो मान जिस माने हमारा ट्री हो गया ये, तो इसके चारों ओर ह्यूमन शील्ड बना के बैठ जाते थे और कहते थे आप पहले हमें मारिए फिर आप वनों को काटिए। तो इसलिए इसको चिपको मूवमेंट बोला गया कि वनों से चिपक जाते थे ताकि वनों की कटाई ना हो सके। तो किससे रिलेटेड हमारा, वन की कटाई से। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, अब इको मार्क किसे दिया जाता है। ऑप्शन हमारे पास है ए शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, बी प्रोटीन समृद्ध हो, सी पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो और डी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। देखो इको मार्क, इको जो मार्क है यही इंडिकेट कर रहा है क्या हमारा हो जाता है, इको मार्क। इको मार्क आप कोलेट कर सकते हैं, इको किससे रिलेटेड है हमारा, इकोनॉमिक्स नहीं है ये, इको जो है हमारा कोरिलेट करेगा हमारा इन्वायरमेंट से, किससे, इन्वायरमेंट से, ठीक है। और मार्क का मतलब समझ सकते हैं मार्क, तो जिस तरह हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को क्या देते थे हम, एग मार्क देते हैं, क्या देते हैं हम, एग मार्क, जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं तो उसको हम एग मार्क देते हैं जो कि शुद्धता की निशानी होती है। इसी तरह जो इको मार्क हम उन सब्सटेंसेस को देते हैं जो कि हमारा पर्यावरण के लिए क्या हो, महत्वपूर्ण हो या दैट विल बी गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट, जो भी सब्सटेंस हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा होगा उन भारतीय उत्पादों को हम इको मार्क देते हैं, क्या देते हैं हम, इको मार्क। तो ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादक का सबसे अच्छा स्रोत क्या, या उत्पादन होगा विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। ए कोयला, बी खनिज तेल एवं गैस, सी जल विद्युत और डी परमाणु ऊर्जा। तो पहली बात तो ये कि धारणी विकास होता क्या है, धारणी विकास को इंग्लिश में हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या कहते हैं हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या बोलेंगे इसको हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये बात है सर धारणी विकास होता क्या है, धारणी विकास का मतलब ये होता है कि अपने भविष्य की आवश्यकताओं को समझते हुए हम प्राकृतिक संसाधनों का उतना ही उपयोग करें, हम प्राकृतिक संसाधनों का उतना उपयोग करें जिससे कि हमारे भविष्य की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। जैसे मान लीजिए कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया या वन हो गए,
तो हमें अपने विकास के लिए इनको काटना पड़ेगा, इनका दोहन तो करना पड़ेगा, बट हम उतना ही दोहन करें कि हम और भी चीजें नई नई लगाते जाएं, ताकि जो हमारे भविष्य के आने वाले जो संतानें हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए प्राकृतिक संसाधन खत्म ना हो जाए। तो उसको कहेंगे हमारा वो धारणी विकास, एक ऐसा विकास जिसमें हम भविष्य की योजनाओं को भी ध्यान रखेंगे, भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए अगर हम विकास करते हैं, तो उसे कहते हैं धारणी विकास। तो अब देखिए, अब कह रहा है कौन सा सबसे अच्छा स्रोत है धारणी विकास के अकॉर्डिंग? कोयला। भाई कोयला आपको पता है लिमिटेड सोर्स में है, कोयला क्या लिमिटेड सोर्स में है, अगर हमने ज्यादा खत्म कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये हमारा खत्म हो जाएगा, तो कोयला तुम्हारा होगा नहीं। खनिज तेल एवं गैस, जो आपके खनिज तेल एवं गैस है, ये भी हमारे लिमिटेड सोर्स में है, जो कि धीमे धीमे खत्म हो ही जाएगा, ये भी नहीं होगा। परमाणु ऊर्जा, जो परमाणु ऊर्जा होती है उसमें जो एलिमेंट्स हम यूज करते हैं, मान ली क्या हम यूरेनियम यूज करते हैं, पोलोनियम यूज करते हैं, थोरियम यूज करते हैं, तो ये भी खनिज लवण है, नेचर से तो मिल रहा है, तो ये भी एक लिमिटेड अमाउंट में है। बट जो जल विद्युत है, मतलब ये भी नहीं होगा हमारा, जो जल विद्युत है ये भारत में धारणी विकास के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि भाई जल विद्युत में मानते हैं कि डैम से भी कुछ कुछ नुकसान होते हैं, बट जो हम डैम को बनाते हैं तो डैम में क्या करते हैं, जिस वाले हमारा डैम है ये, तो हम बहुत ही पानी को बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं, और फिर ऊंचाई तक ले जाने के बाद हम धीरे धीरे यहाँ से टर्बाइन के हेल्प से पानी को छोड़ते हैं, टर्बाइन मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो इससे हमारा कोई बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट को नुकसानदेह नहीं है इन चारों के कंपेरिजन में, इन तीनों कंपेरिजन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जल विद्युत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमसे बोल रहे धारणी विकास से ही, धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो अभी आपने देख लिया कि धारणी विकास किससे संबंधित हमारा, प्राकृतिक उत्पादों से। ऑप्शन देख लेते हैं हम, ए प्राकृतिक संसाधन, बी भौतिक संसाधन, सी औद्योगिक संसाधन और डी सामाजिक संसाधन। तो याद रखिएगा जो हमारा धारणी विकास है उसको हमने क्या बोला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बोला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही मतलब होता है कि हमने अपने प्राकृतिक संसाधनों को इस तरह उपयोग करें कि आज की हमारी आवश्यकता तो पूरी हो, बट जो आने वाले भविष्य की आवश्यकताएं हो वो भी पूरी हो। तो किसके लिए हम बात करते हैं, हम नेचुरल सबस्टेंसेस की बात करते हैं, नेचुरल सबस्टेंसेस या कह सकते नेचुरल रिसोर्सेज की, कि हम जो रिसोर्सेज नेचुरल यूज करें, प्राकृतिक संसाधन, वो हम उसी मात्रा में उपयोग करें ताकि हमारे आने वाली भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी बचे और उनके भी उपयोग काम आए। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से मिलाना है। ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत मजे आते हैं, अगर आपको एक आध आप कर लेते हैं तो आराम से आपका सही हो जाता है। देखिए अब आपको पता होगा जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रक्त धाराओं को प्रभावित करता है, कैसे करता है भी हम देखेंगे, ठीक है? तो डी का फोर, डी का फोर मिला लीजिए, तो डी का फोर, देखिए डी का फोर में मतलब ये ऑप्शन को छोड़ के बाकी सब में डी का फोर है, इससे काम नहीं चलेगा। जो एस्बेस्टस की धूल होती है वो फेफड़ों को खराब करती है, जो एस्बेस्टस की धूल होती है वो मिली जो फैक्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज से एस्बेस्टस की धूल निकलती है, जो कल कारखाने होते हैं, जो सीमेंट उद्योग होते हैं उनसे एस्बेस्टस की धूल निकलती है, और जो एस्बेस्टस की धूल निकलती है वो हमारी सांस के थ्रू हमारी बॉडी में जाती है, बॉडी में जो आपका लंग्स होता है, लंग्स के अंदर आपका एल्वियोली होता है, वो एल्वियोली को चौक चोक कर देती है या उसको जाम कर देती है, जिससे क्या होता है हमारा जो फेफड़ा है जिसको इंग्लिश में लंग्स कहते हैं अफेक्टेड हो जाता है, तो एस्बेस्टस धूल से क्या हमारा फेफड़ा बिल्कुल सही है। अब आपका जो शीशा है, शीशे का मतलब लेड है, लेड से अगर बहुत ज्यादा हम उपयोग करते हैं या किसी भी तरह वाले सांस के थ्रू जा रहा है, या आपको पता होगा कि जो धुएं के में भी शीशे की मात्रा आ रही है, तो ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है, और जो पारा है जिसको हम एजी मरकरी कहते हैं ये हमारे उदर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उदर रोग के लिए। तो अब देखिए मिला लीजिए, तो ए का थ्री, ए का थ्री कौन सा है, मतलब ये दोनों ऑप्शन में है, ठीक है, ए का थ्री, ए का थ्री इसमें इसमें है, तो बस इसी को देख लीजिए, हम बी को देख लेते हैं, और बी का वन, ए का थ्री बी का वन, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही है। मतलब अगर एक भी आप कोरिलेट कर रहे हैं तो आराम से आपके सारे के सारे सही हो जाएंगे, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये जो समझा रहा था मैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धाराएं इसलिए प्रभावित होती हैं क्योंकि आपको पता चला कि ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, जो आपका अगर कोई ह्यूमन बींग्स है तो आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में हार्ट होता है, हृदय होता है, हृदय का काम क्या होता है कि वो आपके ब्लड को पंप करे, ब्लड को पंप करे और हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाए, ये इसका काम है, ठीक है। बट हमारी बॉडी अगर जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो सिगरेट के धुओं से निकलता है, इसके साथ साथ जो हमारे जो हम लकड़ी के कंडे लकड़ी जलाते हैं
तो स्टार्टिंग में जो धुआं निकलता है वो भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। इसके साथ साथ जो हम गाय के गोबर से या भैंस के गोबर से जो निकलता है, जिसको हम लैंग्वेज में हम कंडा बोलते हैं या काउ डंग केक बोलते हैं, उनको भी जब स्टार्टिंग में जलाते हैं तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। या जब हमारा कोयला प्रॉपरली नहीं जलता है उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो हमारी बॉडी में आएगा, तो ये जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो एक सब्सटेंस बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो कि हमारी रक्त की धारा को प्रभावित करता है। तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब कह रहा है कि 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावित हुआ था? तो याद रखिएगा, जो संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता है वो आपका जो 21 मार्च 1994 को कब प्रभावित हमारा 21 मार्च 1994 को ही आपका प्रभावित हो गया था। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? हरित गैस का मतलब क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रस ऑक्साइड और डी नाइट्रोजन। तो हमसे ये बोला जा रहा है इसमें हरित गैस कौन सी नहीं है। आइए थोड़ा हम हरित गैस जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस। आइए हम थोड़ा ग्रीन हाउस गैस के बारे में पढ़ लेते हैं, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस हम ऐसे गैसेस को कहते हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं। तो जो सनलाइट हमें मिलती है सन के थ्रू, तो वो सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं, जैसे मान ली सनलाइट को ट्रैप किया उन्होंने, बट शाम को जब सूर्य ढल जाता है तो सारी की सारी एनर्जी को वो सन को वापस नहीं करते हैं या एनवायरमेंट से बाहर नहीं निकालते हैं। तो इससे होता है कि धीमे धीमे हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और जब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो एक समय ये आएगा कि धीमे धीमे हमारे पूरे इन्वायरमेंट का ही टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे क्या होगा कि जो आपके ग्लेशियर्स हैं पिघलने स्टार्ट होंगे। जब ग्लेशियर पिघलने स्टार्ट होंगे तो होगा ये कि हमारे नदियों में बाढ़ आएगी। नदियों में बाढ़ आएगी तो कह सकते हैं कि बहुत सी डिजीज होंगी, जो छोटे छोटे शहर हैं टापू हैं वो आपके डूबने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो कि मानव जाति के लिए जीव जंतुओं के लिए अच्छा नहीं होगा, हमारे ग्लोबल वार्मिंग, ये आपका ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज करेगा। हाँ, तो हरित गैस के बारे में जान जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक शीशे का जार ले लिया, हमने एक शीशे का जार ले लिया, उसमें हमने एक छोटा सा पॉट कह सकते हैं गमला रख दिया। ठीक है, अब आपको पता होगा, मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ बस। ठीक है, जो आपका ये प्लांट है ये आपका CO2 छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा? CO2 छोड़ेगा। और यहाँ से मान लीजिए सन है हमारा, सन से बहुत सी एनर्जी सनलाइट के फॉर्म में आई यहाँ पे। ठीक है, अब हुआ ये कि इसको हमने पैक कर रखा है, इसमें हमने सल्फर डाइऑक्साइड भी डाल रखा है, CO2 भी डाल रखा है, NO2 भी डाल रखा है, और शीशे के जार से हमने बिल्कुल इसको पैक कर रखा है। ठीक है, अब हुआ ये कि जितनी एनर्जी इसको मिली सुबह से शाम तक, ठीक है, इसको मान ली कुछ एनर्जी मिली, दिन में गर्म होगा बट जैसी रात होगी तो एनर्जी को क्या करेगा, वापस भी करेगा। बट होता ये है कि इसके अंतर्गत जो ये गैसें प्रेजेंट है, जिसमें CO2 हो जाएगा, SO2 हो जाएगा, NO2 हो जाएगा, फिर आपका वाटर वेपर, वाटर वेपर जिसको इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, जलवाष्प। ये जो जलवाष्प होती है ये इस की जो एनर्जी सन से इसको मिली है ये पूरी की पूरी एनर्जी को रिटेन नहीं करेगा, मतलब छोड़ेगा नहीं, कुछ एनर्जी को अपने पास ही रख लेगा। इसके चलते होगा ये कि आप कुछ दिनों बाद देखेंगे, मान लीजिए 10 दिन बाद आप ये देख रहे हैं कि इसका टेम्परेचर सपोज कर अगर 25 था तो इस शीशे के जार का जो टेम्परेचर है वो 26 हो गया है। तो क्या हुआ, कुछ ही दिनों में इसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो माना जाता है इसी तरह इन्वायरमेंट में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, अगर उनका अमाउंट बढ़ेगा तो धीरे धीरे हमारी जो सन से एनर्जी मिल रही है वो कुछ एनर्जी को ट्रैप कर लेंगे, जिससे कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग होगा और बहुत सी डिजीज आएंगी। तो जो गैसेस इन सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर लेती है, पूरी पूरी नहीं छोड़ती हैं, उनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि अगर नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस होता तो पूरा दुनिया चल ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे एनवायरमेंट में अबाउट 79% तक नाइट्रोजन है, और अगर नाइट्रोजन ही ट्रैप करने लगता तो हमारा टेम्परेचर तो पता नहीं कहाँ पहुंचता। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब इसके अलावा जो देख रहे हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, के सारे के सारे क्या हैं, ये आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान वृद्धि को प्रदर्शित करता है? तो जो पृथ्वी में जो औसत तापमान में वृद्धि हुई थी वो आपकी अबाउट 0.8 डिग्री सेल्सियस हुई थी। कितनी हुई थी हमारी?
अबाउट 0.8 डिग्री सेल्सियस, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल ही सही है। मतलब 100 साल में सोचिए इतना बढ़ गया टेम्परेचर, ठीक है, वही ग्लोबल वार्मिंग वाला कॉज है। अब अगर नेक्स्ट हमारे 100 साल बाद, हम तो रहेंगे नहीं, जब देखा जाएगा तो देखेंगे 2 से 3 डिग्री बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट कर रखा है जो हमारे टेम्परेचर को अफेक्ट करता रहेगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा जो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है आपका, 5 जून को, तो फिक्स सबको पता ही होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था? 5 जून को। 1 दिसंबर को क्या मनाया था हमारा? एड्स दिवस। क्या मनाते हैं हम? विश्व एड्स दिवस। 14 नवंबर को क्या मनाते हैं हम? बाल दिवस। क्या मनाते हैं हम? बाल दिवस। और 15 अगस्त को तो पता ही आपका हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें कौन सा क्या है करेक्टली मैच्ड नहीं है। पहला हमसे बोल रहा है पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में, बिल्कुल सही है, जो आपका पारिस्थितिकी विज्ञानों केंद्र बेंगलुरु में है। सेकंड हमसे बोल रहा है भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में है, ये भी सही है। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में नहीं, जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है कहाँ हमारा? भोपाल में है। कहाँ हमारा है ये? भोपाल में। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है भारतीय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ संस्थान अल्मोड़ा में, ये भी सही हमारा। कौन सा हमारा गलत है? ऑप्शन सी हमारा गलत है, बाकी सारे ऑप्शन क्या है? सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आइए जो अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, हमें सूची एक को सूची दो से मिलाना है, बहुत आसान होता है, आइए मिलाते हैं। एक तरफ हमारा क्या है? जैव मंडल स्थल है, और एक तरफ क्या है? स्थापना वर्ष है। देखिए आपको नीलगिरी दिया गया है, नीलगिरी कब बना था, नंदा देवी की स्थापना कब हुई थी, सुंदरवन की स्थापना कब हुई थी, कंचनजंगा की स्थापना कब हुई थी। अब सारे के सारे तो आप याद नहीं कर पाए, बट एक आपको पता होगा, जैसे देखिए जैसे सुंदरवन है, ये आपका 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी हमारी? 1989 में। एक से देखिए ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं? सी का टू, सी का टू मिल गया, तो हमारा आंसर हमारा सही हो गया। अब उसके अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा, जो नीलगिरी है ये आपका 1986 में स्थापित हुआ था, ठीक है। अब आपका जो सुंदरबन आपने देख लिया, टू मिल गया। जो आपका बी का थ्री, जो नंदा देवी है, ये आपका 1988 में बना था, तो जो कंचनजंगा क्या हो जाएगा हमारा? 2000 में बना था। तो अगर एक भी आपको अच्छी तरह आता है तो आप आराम से इसको कर लेते हैं, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब पारिस्थितिकी निकाय में के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? आर्द्र भूमि को हम क्या बोलते हैं? वेटलैंड। तो बोल रहा है पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि क्यों उपयोगी है? ए पोषक पुनर्प्राप्ति चक्रण हेतु, बी पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, सी तलछट रोककर नदियों को गाधिकरण कम करने हेतु, डी उपयुक्त में सही नहीं, उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन हमारा बी डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो वेटलैंड्स होती हैं, जो आर्द्र भूमि होती है, उनका काम ही यही है कि जो भी पोषक तत्व तो हैं उनको रिसाइकिल करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहे। इसके साथ साथ जो पौधों द्वारा जो अवशोषित होती है, अवशोषण के माध्यम से जो आपके हैवी मेटल्स हैं उनको भी वो फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में छोड़वाते हैं। इसके साथ साथ जो आपके नदियों के द्वारा जो किनारे में जो जो आपके मिट्टियाँ लाई जाती हैं, ठीक है, जो पत्थर लाए जाते हैं, कह सकते हैं कि जो गाद फैला दिया जाता है, सेडिमेंट्स फैला दिया जाता है, तो उनको भी कम करने हेतु इनका काम होता है। तो ये सारे के सारे सही हैं, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन पूछता है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो क्या बोलेंगे आप? 2 सितंबर। 2 सितंबर क्या मनाया तुम्हारा? वर्ल्ड वेटलैंड डे। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? देखिए जैव विविधता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं हम? बायोडाइवर्सिटी। और उत्तेजनशील स्थल को क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट। अब आंसर आप दे सकते हैं, क्या बोलते हैं हम? हॉटस्पॉट। ये हॉटस्पॉट हमारा मोबाइल वाला हॉटस्पॉट नहीं है कि आप सीधे बोलेंगे सर वो मोबाइल वाला है क्या? नहीं, ये मोबाइल वाला हॉटस्पॉट नहीं है, ठीक है। चलिए पहले मतलब बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? बायो का मतलब होता है लिविंग, और डाइवर्सिटी मतलब क्या? वेरिएशंस। मतलब ये कि किसी स्पेसिफिक एरिया में जब हमारे जंतुओं के अंदर, जीवों के अंदर, या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब उनके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशंस मिलता है एक स्पेसिफिक एरिया में, तो हम कहते हैं वो हमारा एक बायोडाइवर्स एरिया है, ठीक है। जैसे हमारे जो पश्चिमी घाट है, फिर आपका पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है, वो बहुत ही बायोडाइवर्स एरिया है, क्योंकि वहां पे थोड़े एरिया में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज ऑर्गेनिजम्स की मिलती हैं, तो हमारे क्या बायोडाइवर्स एरिया है। तो कह रहा है इंडिया में कौन से मोस्ट बायोडाइवर्स एरिया है? ए पूर्वी हिमालय,
बी पूर्वी घाट, सी पश्चिमी घाट और डी पश्चिम हिमालय। तो पहले थर्ड हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारा पश्चिमी घाट है, ठीक है, केरला के आसपास का क्षेत्र, वो आपका मोस्ट बायोडाइवर्स एरिया है। क्या है हमारा? मोस्ट बायोडाइवर्स एरिया। और उसके साथ साथ जो पूर्वोत्तर की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए भारत का नक्शा आप देखते हैं तो ये हमारा केरल आ जाएगा। ये जो पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र देखते हैं असम की बात का, ये भी आपका क्या है? बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। तो ये भी हमारा सही है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 3, 1 और 3 मिला लीजिए तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक, क्या बोल रहे हैं हमारा? अजैविक प्रदूषक है। अजैविक को क्या बोलते हैं हम? अबायोटिक, अबायोटिक पॉल्यूटेंट। इसमें से कौन सा हमारा अबायोटिक पॉल्यूटेंट है? ए बैक्टीरिया, बी शैवाल, सी आर्सेनिक और डी विषाणु। पहली बात तो बायोटिक और एबायोटिक होता क्या है? तो जो भी हमारा इकोसिस्टम है, जो भी हमारा इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंट है, तो वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक हमारा बायोटिक कंपोनेंट और एक क्या होता है हमारा अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में जिनमें हमारी लाइफ है, जिनमें हमारी जीवन है, वो सारे हमारे बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया में लाइफ है, शैवाल हो गया, विषाणु हो गया, फंगस हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारे हमारे बायोटिक कंपोनेंट है। बट जिनमें जान नहीं होती है वो हमारे क्या होते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट। जैसे हमारा सॉइल हो गया, मिट्टी हो गई हमारी, एयर हो गया, माउंटेन्स हो गए, ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे? एबायोटिक कंपोनेंट। तो बोल रहा है कि भूमिगत जल जो आपका लैंड के अंदर से जो वाटर निकलता है, ग्राउंड वाटर है, उसको दूषित करने वाला, मतलब उसको उसको खत्म करने वाले, खराब करने वाले कौन से आपके अजैविक प्रदूषक है? तो देख लिया आपने। तो भाई अजैविक क्या हमारा? आर्सेनिक ही तो है। आर्सेनिक क्या एक एलिमेंट है जो कि हमारा क्या है? अजैविक प्रदूषक है। और याद रखिएगा आर्सेनिक की जो सबसे अधिकता कहाँ मिलती है? हमारे वेस्ट बंगाल में मिलती है, इसलिए वहाँ का पानी बहुत प्रदूषित होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक होते हैं, जो लाइकेंस होते हैं किसके सबसे अच्छे सूचक होते हैं? ए वायु प्रदूषण के, बी जल प्रदूषण के, सी मृदा प्रदूषण के और डी ध्वनि प्रदूषण के। तो याद रखिएगा जो लाइकेंस होते हैं दे आर गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, वो आपके एयर पोल्यूशन के बहुत ही अच्छे इंडिकेटर होते हैं। और आपको पता होगा लाइकेंस दो कंपोनेंट्स मिलकर बना होता है, एक हमारा होता है शैवाल प्लस कवक। शैवाल और कवक आपसे मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे लाइकेंस बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्गी एंड फंगी। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे शैवाल हमारे लाइकेंस बनाते हैं। याद रखिएगा लाइकेंस उन एरियाज में नहीं ग्रो करेंगे जहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होगा या जहां की एयर में पॉल्यूटेंट्स ज्यादा होंगे। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्रों में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तत्वों के चक्रण कहने का मतलब कि कौन सा एलिमेंट जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंट में निकला, फिर से उसी उसकी जो साइकिल्स चल रही है उसको हम तत्वों का चक्रण कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ए रासायनिक चक्र, बी जैव भू रासायनिक चक्र, सी भू वैज्ञानिक चक्र और डी भू रासायनिक चक्र। तो याद रखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र में जो तत्वों का चक्रण होता है उसको क्या बोलते हैं हम? जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? जैव भू रासायनिक चक्र। आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर है? ठीक है, ए नागपुर में, बी पुणे में, सी लखनऊ में और डी न्यू दिल्ली में। तो जो आपका राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान है, इसको क्या बोलते हैं? नीरी। क्या बोलते हैं? नीरी। नीरी का जो प्रधान कार्यालय है या जो संस्थान है, ये आपका कहाँ है? नागपुर में, जो कि हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। निम्न में से कौन ओजोन रिक्ति कारक है? ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, बी हेलोन्स, सी कार्बन टेट्राक्लोराइड। पहली बात ओजोन रिक्ति कारक मतलब होता है ओजोन होल, ओजोन होल मतलब ओजोन होल करने के लिए कौन से इसमें से रिस्पॉन्सिबल है? पहली बात तो ओजोन आपको पता होगा हमारी अर्थ के ऊपर एक लेयर है, ओजोन की लेयर है, जो कि हार्मफुल जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है जो सन से निकलती है उसको ट्रैप करता है, उसको छानता है और हमारे लिए जो अच्छी रेज है या विजिबल रेज है उसको ही नीचे भेजता है। तो अगर ओजोन में अगर पहली बात ओजोन में कोई छेद नहीं होता है, ओजोन में क्या होता है? ओजोन की जो लेयर होती है कहीं कहीं पतली हो जाती है, जैसे अंटार्कटिका में, तो हम कहते हैं हमारा ओजोन होल हो गया। ऐसा कोई छाता नहीं कि होल हो जाएगा, वहां जो उसकी डेप्थ है, मोटाई है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो क्या होता है? हमारा ओजोन होल हो गया। ठीक है,
ओजोन में होल हो गया है, वो क्या होता है, डेप्थ कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि ओजोन होल को नापने की इकाई क्या है, तो बोलेगा डाब्सन। क्या इकाई होती है इसकी? डाब्सन। ओजोन होल को किससे मेजर करते हैं? डाब्सन से मेजर करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ओजोन होल होता क्यों है, तो जो भी हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, बिल्कुल सही है, हैलोजन्स हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स हैं, प्रियॉन है, फिर आपके क्लोरोफॉर्म है, ये सारे जो भी हार्मफुल ये जो गैसेस हैं जिनमें क्लोरीन प्रेजेंट है, ये सारे के सारे ओजोन होल में, जो ओजोन में जो ऑक्सीजन है, ओजोन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, O3, इसका जो ऑक्सीजन है इसके साथ रिएक्ट करता है और फिर ओजोन को हमारे कमजोर कर देता है। तो तीनों के तीनों है ये, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है हमारा, 1, 2, 3 मीन्स ऑल ऑफ देम आर। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। ए इको टाइप, बी इकेज, सी इकोस्फियर और डी इकोटेन। तो दो भिन्न समुदाय जो होते हैं उनके बीच का जो आपका संक्रांति क्षेत्र, उसको क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोटोन। आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? मतलब एक लिविंग, एक मनुष्य है वो अपने जीवन को कंप्लीट करेगा, तो उसको जो कह सकते हैं कि जो जमीन चाहिए, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? ए जीवजात, बी पारिस्थितिकी पदचाप, सी जीनोम और डी निकेत। तो याद रखिएगा कि एक मनुष्य को अपने जीवन को पूर्ण करने के लिए जो धारणी आवश्यक न्यूनतम भूमि है उसको क्या कहते हैं हम? पारिस्थितिकी पदचाप। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी पदचाप। पदचाप से समझ जाएगा। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन एक प्रवाल व्यंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? ठीक है, प्रवाल व्यंजन, जैसे आपने लक्षद्वीप वगैरह में सुना ही होगा कि वहां पे प्रवाल व्यंजन बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो जो आपके प्रवाल भित्तियां हैं ये आपके डेवलप नहीं कर पाती हैं, और जब मरने लगेंगी तो वहां का वाटर भी क्या होगा, वो डीकोलराइज हो जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए सागरीय प्रदूषण, बी सागरों में लवणता में वृद्धि, सी सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि और डी रोगों रोगों एवं महामारियों का फैलना। तो याद रखिएगा सागरी जल जो आपका ओशन का जो वाटर लेवल है, ओशन में जो वाटर का टेम्परेचर है, अगर वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ही आपका प्रवाल व्यंजन होता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि हम, इसलिए कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत सी लिविंग ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के रिस्पॉन्सिबल है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो सागर का भी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, आइए, काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ए गैंडा के लिए, बी बाघ के लिए, सी पक्षी के लिए, डी शेर के लिए। तो आपको पता ही होगा जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक सींग के गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? आपका एक सींग के गैंडा के लिए। आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, मतलब इंडिया में या कहीं पे भी सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, बी शीतोष्णकटिबंधीय वनों में, सी शंकुधारी वनों में और डी उत्तर ध्रुवी वनों में। जैसे मान लीजिए अगर पूरे अर्थ को देख रहे हैं हम, ये अर्थ है हमारा और ये हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं हम इक्वेटर, और हिंदी में क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं हम? विषुवत रेखा। अब होता ये है कि ये विषुवत रेखा है, ठीक है, ऐसे हमारे सामने जहां से रह गए डाई देता हूं मैं, ये हमारी जो अर्थ हो गई इसको जो दो बराबर भागों में बांटती है इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या इक्वेटर बोलते हैं। तो इस इक्वेटर के 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, ऊपर आपका क्या होता है? नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है? साउथ होता है। जो 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे का ताप क्षेत्र होता है, यहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है। जब सूर्य की किरणें ज्यादा सीधी पड़ेंगी तो यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होगी, प्रेशर कम होगा तो बारिश, प्रेशर भी अधिक होगा तो बारिश यहाँ बहुत ज्यादा, जब बारिश ज्यादा होगी तो वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के बहुत से कह सकते हैं कि चांसेस मिलेंगे, बहुत से कह सकते हैं कि कारण मिलेंगे। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा ग्रो करेंगे। तो इन एरियाज में जो वन मिलेंगे, इन एरियाज में जो वन मिलेंगे वहां पे, जब वन ज्यादा मिलेंगे तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी भी सबसे अधिक मिलेगी, क्योंकि जहां वन होगा वहीं तो जीव जंतु पेड़ पौधे सब डेवलप करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इस क्षेत्र में जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब निम्न में से कौन सा ज्वारी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? ए बंगाल की खाड़ी, बी मन्नार की खाड़ी, सी खंभात की खाड़ी और डी कक्ष की खाड़ी। तो
तो ये जो क्षेत्र है, इसमें जो खंभा की खाड़ी है, ये ज्वारी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। ज्वारी ऊर्जा होता है, जैसे मान लिया हमारा सी हो गया, जो सी है इधर हमारा, तो जो सी का आपको पता होगा, सी में टाइड मतलब ज्वार भाटा आता है। जब ज्वार भाटा आता है, ज्वार में ऊपर पानी जाता है, भाटा नीचे आता है, तो होता है कि वहां कुछ ऐसे एरिया, ऐसे कंस्ट्रक्शन बना देते हैं कि पानी तेजी से ऊपर भर जाए। ज्वार आया, पानी तेजी से इधर भर लेते हैं, ठीक है, मतलब वो नेचुरल सबस्टेंसेज है, नेचुरल पानी बहुत भर लेते हैं, यहाँ एक आर्टिफिशियल सिल्डम बना देंगे। मैं एग्जाम्पल बस समझा रहा हूँ। अब जब पानी इधर ज्यादा इकट्ठा हो गया, तो फिर धीमे धीमे पानी को हम छोड़ेंगे, और जब पानी को छोड़ेंगे, उसे टर्बाइन मूव करेगा, टर्बाइन मूव करेगा, इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस करेगी। तो हमारे ज्वारी ऊर्जा के बारे में, तो ज्वारी ऊर्जा का जो सबसे अच्छा क्षेत्र है इन सब में, वो आपका खंभात की खाड़ी है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए, इस तरह हमारा पूरा वीडियो समाप्त हुआ। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके कमेंट हो उनको प्लीज कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिए। ये पूरी सीरीज हम स्टार्ट करेंगे अपना प्यार बनाए रखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।